दोस्तों, इस जगह को एक शब्द में बयां करना पॉसिबल नहीं है। इसे एक नेचर का वंडर कहे या एक स्पिरिचुअल हब या एक कल्चरल एंड हिस्टोरिकल साइट, हर तरह से ये जगह यूनिक है, ये जगह खास है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली के बारे में। एक ऐसी जगह जहाँ से जुड़ी हुई है एक पूरे कल्चर की बुनियाद। दोस्तों, माजुली लोकेटेड है असम के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ब्रह्मपुत्र रिवर में। इसके नाम के साथ ही इसकी ज्योग्राफी भी जुड़ी हुई है। माजुली का मतलब होता है इन बिटवीन, यानी बीच की जगह, और ये सिचुएटेड भी है दो रिवर के बीच में, जिसके साउथ में है रिवर ब्रह्मपुत्र और नॉर्थ में खेरकुटिया खुटी, जो एक ब्रांच या एक्सटेंशन बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर का, जो फिर से जाके जुड़ता है सुबनसिरी रिवर से। हिस्टोरिकल टेक्स्ट के अनुसार करीब 1661 से लेके 1696 तक बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए थे, क्योंकि असम एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो यहाँ फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आना बहुत ही आम बात है। पर उस समय अर्थक्वेक्स की इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा थी, जिसके वजह से बहुत सारे ज्योग्राफिकल चेंजेस आए और जिसके वजह से फ्रीक्वेंट फ्लड्स आती गई, हाई इंटेंसिटी फ्लड्स आती गई। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ऐसे एक फ्लड का मेंशन हिस्टोरिकल टेक्स्ट में मिलता है, जो करीब 1759 के आसपास आया था, जो 15 डेज तक कंटिन्यूसली चला था और जो बाद में कारण बना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड का, जिसने मॉडर्न टाइम में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई और जो 2016 में बना इंडिया का पहला रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट। माजुली की ज्योग्राफी जितनी इंटरेस्टिंग है, उतनी ही इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव है इसकी कल्चरल हिस्ट्री। कल्चर और माजुली मानो जैसे एक ही शब्द, जिसकी शुरुआत की थी श्रीमंत शंकर देव ने, जिन्होंने नव वैष्णव धर्म के प्रचार से असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भक्ति मूवमेंट का एक अलग रूप दिया। श्रीमंत शंकर देव वो व्यक्ति जिन्होंने असम के हिस्ट्री, असम के कल्चर और पता नहीं किन किन चीज़ों में अपना योगदान दिया, जिन्हें हम धर्मगुरु के रूप में असम में पूजते हैं, और जिनके कदम पड़ते ही मानो पूरे माजुली का इतिहास ही बदल गया। माजुली से कुछ ही किलोमीटर दूर थुआहत बेलगुरी सत्र वो जगह है जहाँ श्रीमंत शंकर देव की मुलाकात हुई थी उनके सबसे प्रिय शिष्य श्री श्री माधव देव के साथ, जहाँ से शुरू हुई एक नई सदी की अहिंसा और समानता का मंत्र लेकर स्थापित किया कई सारे सत्र या मोनेस्ट्रीज, जहाँ भक्ति भाव और कला का मेल हुआ, जहाँ से निकली बौर गीत, सत्रीय नृत्य, भावना जैसे अनेक नए आर्ट फॉर्म्स। एक समय पर माजुली में तकरीबन 65 सत्र हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ और बहुत सारे रीजंस के वजह से, स्पेशली ज्योग्राफिकल रीजंस के वजह से, अभी सिर्फ 22 सत्र बाकी है, जो कई सालों से, कई सदियों से शिक्षा और कला का एक केंद्र बना हुआ है। यहाँ पे बच्चे बचपन से ही नॉलेज के साथ साथ आर्ट फॉर्म्स सीखते हैं, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट, डांस, म्यूजिक, हर तरह के ज्ञान यहाँ पे मिलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे वर्ल्ड से रिसर्च स्कॉलर्स, इवन आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस यहाँ आते हैं सीखने के लिए, रिसर्च करने के लिए। कई महीनों तक माजुली में रहते हैं और यहाँ के आर्ट, यहाँ के कल्चर के बारे में सीखते हैं। इसीलिए ये जगह बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, सिर्फ नेचुरली ही नहीं, कल्चरली और स्पिरिचुअली भी। और जब भी आप माजुली में आएंगे, तब आप यहाँ की स्पिरिट को, यहाँ की शांति को
बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे, उसे एन्जॉय कर पाएंगे। तो जब भी कभी आप नॉर्थ ईस्ट या आसाम विज़िट करें तो माजुली में आना ना भूलें। दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट वन था। इसके अगले पार्ट में हम जानेंगे माजुली के फेमस मुखाशिल्प या मास्क मेकिंग आर्ट के बारे में, साथ में माजुली का वर्ल्ड फेमस रासलीला और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जिससे माजुली सालों से डील कर रहा है। बहुत कुछ है जानने को, बहुत कुछ है बताने को। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस। आ रे हामा के खे।